brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। आप देख रहे हैं दुनिया तक, मैं हूं मधुर। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से तुर्की तो अर्मेनिया की तरफ से रूस के मैदान में उतर जाने की खबरों के बाद अब ईरान की चेतावनी सामने आई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके पड़ोसी देश अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच नगारनो कराबाख इलाके को लेकर शुरू हुई लड़ाई बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि विवादित नागार्नो कराबाख इलाके को लेकर हुए भारी संघर्ष के दिनों के बाद इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल होने की उन्हें उम्मीद है। नागार्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर अर्मेनियाई समुदाय के हथियारबंद समूहों का कब्जा है। मौजूदा युद्ध बीते कुछ दशकों का सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हिंसा की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में अजरबैजान को भारी नुकसान हुआ है और इस युद्ध में उसके 3,000 लोगों की मौत हुई है। ये पहली बार नहीं है जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच नगारनो कराबाख इलाके को लेकर युद्ध हो रहा है। इससे पहले हुए युद्ध में दोनों तरफ से कुल 30,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका, रूस और फ्रांस समेत दुनिया भर के कई देश अजरबैजान और अर्मेनिया से सीज फायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन मरने मारने पर उतारू दोनों ही देशों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा।